जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि पिछले साल सुनी से प्रभावित हुई सरसों और बाजरा व कपास की फसल के मुआवजा राशि सीधे किसानों के खाते में आएगी और इसी प्रकार से करीब 545 करोड़ रुपए खराबे के तौर पर किसानों के खाते में बहुत जल्द ही आएंगे, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दिया जाए कि उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर समय खड़ी रहती है। जब जब फसल किसी तरीके से खराब हुई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं, जिन्होंने कहा है कि पिछले साल भी किसानों के जिन फसलों का बीमा नहीं करवाया गया था उनकी गिरदावरी करवाई गई है। ऐसे में किसानों के लिए करीब 545 करोड़ रुपए मुआवजा राशि मंजूरी गई है, जो शीघ्र ही किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। इसी प्रकार से लाल सूंडी से प्रभावित सरसों व बाजरा कपास की सूंडी से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा राशि दी जाएगी, जो करीब 800 करोड़ रुपए है। इसमें अकेले सिरसा के किसानों के लिए करीब 195 करोड़ रुपए, करीब 280 करोड़ रुपए हिसार के लिए। और उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को संगठनों के साथ मिलकर किसानों की भलाई में लगी है। तो दोस्तों, जुड़े रहे डी न्यूज़ से। धन्यवाद।